नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जनरल नॉलेज के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो दोस्तों, मंडल कमीशन बीपी सिंह जो प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक होंगे दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, श्वेत क्रांति का संबंध है? तो दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गोधरा कांड किसके लिए प्रसिद्ध है? गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन से आपके यहाँ पे होंगे नहीं दोस्तों। तो गोधरा कांड दोस्तों रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए प्रसिद्ध है। गोधरा कांड दोस्तों गोधरा में क्या हुआ था, रेलगाड़ी में कुछ लोगों के लिए जिंदा जला दिया गया था अंग्रेजों के टाइम पे, इसीलिए गोधरा कांड के नाम से यह जगह प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों, अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो दोस्तों, सती प्रथा के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, तो सती प्रथा का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा का सबसे ज्यादा जो विरोध किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ओबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों, ओबीसी की फुल फॉर्म होती है अदर बैकवर्ड कास्ट, सॉरी अदर बैकवर्ड क्लास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा प्रश्न नंबर 8, सेल SAIL सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, सेल जो है वो स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई? तो ये तो सभी आप जानते ही होंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो नहीं जानते उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आजाद हिंद फौज की जो स्थापना हुई थी वो सिंगापुर में हुई थी और इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों मैं अपने चैनल पर गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज की डेली बेसिस पर वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF फाइल है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब अगर आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं, टेलीग्राम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और डेली बेसिस पे PDF फाइल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 होगा हमारा, जाकिर हुसैन का संबंध है? तो जाकिर हुसैन का संबंध है दोस्तों तबला से। जाकिर हुसैन एक तबला वादक हैं, इनका संबंध तबला से है। क्वेश्चन नंबर 12 होगा, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है? तो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है विजय घाट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, स्वेज नहर जोड़ती है? स्वेज नहर जोड़ती है, तो दोस्तों, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी दोस्तों कहते हैं इलायची के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15, नाजीबाद के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, नाजीबाद के जो संस्थापक थे उनका नाम था हिटलर, और हिटलर का पूरा नाम था एडोल्फ हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो दोस्तों, दीन ए इलाही जो धर्म है इसके लिए अकबर ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17, पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि के लिए कहते हैं दोस्तों घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है? मानचित्र में
पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, लाल रंग से दर्शाया जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि मानचित्र जो हम बनाते हैं उसमें पर्वत और पहाड़ के लिए जिस रंग से दर्शाया जाता है वो लाल रंग से इनको मार्क किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19, सिल्क यानी कि दोस्तों रेशम। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रेशम किस देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन की जाती है? तो दोस्तों सिल्क जो है वो चीन में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों कारगिल युद्ध के समय जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था नवाज शरीफ। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन, सॉरी 20 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये दोस्तों मिसलेनियस क्वेश्चन थे, मैंने ये किसी भी सब्जेक्ट से नहीं, ये जनरल नॉलेज के जो टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उनके लिए इस वीडियो में सेलेक्ट किया था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा और आपके काफ़ी काम की वीडियो होगी ये। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।